जयनगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यूनियन टोल के पास एक व्यक्ति देसी कट्टा लेकर किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दिया। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जयनगर थाना अध्यक्ष अनूप कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित कर सूचना वाली जगह यूनियन टोल के लिए पुलिस टीम छापेमारी के लिए निकल गई। मिली गुप्त सूचना के तहत यूनियन टोल के पास एक व्यक्ति लोडेड देसी कट्टा दो गोली के साथ पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस के द्वारा देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान देवधान निवासी संतोष कुमार दास के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यूनियन टोल के पास एक व्यक्ति लोडेड देसी कट्टा लेकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। त्वरित कार्रवाई करते हुए जयनगर थाना पुलिस टीम के द्वारा हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 1/2/2024 को एक गुप्त सूचना मिलती है कि एक लड़का है, वो देसी कट्टा लेकर किसी अपराध की घटना को कारित करने के लिए कहीं जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्ष जयनगर को के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और टीम की कार्रवाई के द्वारा इस लड़का को यूनियन टोल के पास पकड़ा गया। उसके जाँच पड़ताल के दौरान जो है एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद किया गया, एक मोबाइल और पैशन प्रो मोटरसाइकिल, और इसको जो है गिरफ्तार करके जयनगर थाना कांड संख्या 4124 दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट के धारा में, और इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता किया जा रहा है। ये जो पकड़ाया हुआ व्यक्ति है, इसका नाम संतोष कुमार दास, पिता राम जतन दास, पिठवा टोल का रहने वाला है, ये ज्ञात हुआ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।